देख लीजिए दोस्तों, मैंने बोला था आपको कि मैं आपको मेरी मम्मी का घर दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी मतलब पत्थर का जो टब है वो दिखाऊंगी, मगर नहीं दिखा पाई। तो अभी जा रहे हम घर, हम पहुंच गए नगर में, क्योंकि बहुत बुरी हालत कर दी है बारिश ने। जगह जगह पर इतना ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं, स्लाइड हुआ ना, बहुत ज़्यादा स्लाइड हुआ है, बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा विनाश किया इस बारिश ने। तो इस वजह से मैं आपको, क्योंकि लाइट भी गई थी, और मैंने बोला था आपको कि जिस दिन मैं लाइव आई थी कि मैं डालूंगी ब्लॉग, मगर नहीं डाल पाई क्योंकि लाइट भी नहीं थी और नेटवर्क भी चला गया था। तो इस वजह से कोई ब्लॉग नहीं आया, और लाइट तो अभी भी नहीं है। तो अभी फ़ोन हमने चार्जिंग में लगाया गाड़ी में, और हम पहुँच गए नगर में। टाइम कितने पौने दो हो गए शन बाबा, दो दो बज के 36 मिनट, 2:30 बज चुके हैं, और हम अभी जाम में फंसे हैं बुरी तरह से, क्योंकि जो नेशनल हाईवे अपली साइड, नेशनल हाईवे अपली साइड पतलीपुर साइड, तो वो बिल्कुल ही मतलब स्लाइड हो गया है जगह जगह से, वहाँ से तो कोई गाड़ी नहीं चल रही है। तो ये नगर साइड वाला जो रोड है, जो नगर में भी स्लाइड हो गया है। जगह जगह पर जितने भी नदी नाले थे, और जगह जगह बहुत ज्यादा विनाश हुआ, बहुत ज्यादा। तो जो राइट बैंक साइड रोड है, मतलब NH नेशनल हाईवे, वो तो पूरा बंद है, पूरी तरह पैक है, क्योंकि उस साइड ज़्यादा ही वो नदी, नदी के किनारे था, तो नदी आई बहुत बड़ी जो ब्यास नदी है, तो वो ले गई अपने साथ वो रोड, बस में टूट गया, तो वो पूरा रोड भाग के ले गई है, जहाँ जहाँ से ज़्यादा ही क्लोज है नदी के। और ये वाला थोड़ा ऊपर है जो नगर लेफ्ट बैंक वाला है, तो ये थोड़ा ऊपर है, तो एक जगह बोल रहे हैं कि 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया है जो ये रोड है, मेन रोड, तो यहाँ पर हो गया है एक जगह अरछंडी नाम की जगह, एक तो वहाँ पर हो गया है एक जगह गड्ढा बहुत बड़ा। तो फिर करके अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लाइन बहुत लंबी लग चुकी है, और हम नगर चौक से ही इस लाइन में फंसे हुए हैं। वो ये देखिए दोनों बच्चे, तो इनके लिए ठंडा वगैरह चॉकलेट वगैरह ले लिया है, क्योंकि अब पता नहीं है शाम तक तो हम ही ऐसे ही देखेंगे कैसे क्या है। और जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आगे बोलने बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, तो आज तो बस गाड़ी में ही है। तो अब देखते हैं हम घर पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते आज, बहुत ज़्यादा लंबा जाम है, और टेंशन भी हो रही है, अब क्या करें। दीदी वगैरह नहीं आए, तो हम बस चारों दीदी वगैरह आज बैठ गए हैं ऊपर, और उनके वहाँ तो ज़्यादा मतलब दूर है, काफ़ी दूर है उनका घर, काफ़ी दूर है उनका घर, और लाइट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके। अब देखते हैं क्या क्या, आगे तक देखेंगे नहीं तो फिर नीचे को जाएंगे। सुनना तक नहीं जाना है ना, सुनना लेट तक बाद क्या कर रही है, क्या कर रही है, मेरा मन तो गोरा पे जाना ना सीधा, नहीं जाना तो गोरा पहुंचे हम, मेरा क्या कर रहा था, पैदल जाएंगे पक्को होता रही तो इतनी सी हो गया इसी पे, नहीं बाद में फिर ना बाद ना, हां और जरा हम खाली ले लाने फिर जरा बजा, तो अब देखते हैं घर जाने की बहुत जल्दी हो रही है, चल खेलें। तो आप लोगों से भी विनती है कि प्लीज आप लोग ना आए, मतलब पहाड़ों में, पहाड़ों में क्या, अरे अभी घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो आप लोग भी अपने अपने घर पे जहाँ पर है वहीं पर रहें। तो अब जब नेट आएगा तभी ब्लॉग अपलोड होंगे, तो मैंने सोचा था इस बार मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग डालूंगी अपने माइके के,
मगर लाइट नहीं है और बैटरी भी बिल्कुल डेड होने वाली थी और नेटवर्क नहीं। तो अभी हम गाड़ी में रखा है, मैंने फ़ोन लगा के अपना, तो चलिए अब चलते हैं। अब देखते हैं आगे, आपको अपडेट देती रहूँगी मैं क्या क्या हो रहा है। तो देख लीजिए अभी दिन के कितने बजे हैं, 4 बज गए हैं और अभी हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 किलोमीटर ही चल पाए हैं, मतलब गाड़ी आगे ले जा पाए हैं। बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, पता नहीं आज घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। देखते हैं अब जाम दिखाते आप। व्यू देख लीजिए इस टाइम पे, व्यू बहुत ही सुंदर सा है, बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू। बादल देखिए क्लियर है बिल्कुल, देखिए मेरे ऊपर नहीं लगा रहे इधर को तो देख लीजिए दोस्तों। रात के 8:30 हो गए हैं और हम नगर से चले हैं 2:30 बजे, तो मगर अभी भी रोड खुला नहीं है। जहाँ से मार्कोपल्ली साइड जाना है पर क्या बोलते हैं राइट बैंक तो पूरा बंद है, और यहीं से जा रहे थे हम लेफ्ट बैंक होकर रायसन पुल से। अब रायसन पुल तो है बोले खुला, मगर यहाँ से ये लाइन ही नहीं हट रही है, इतना ज़्यादा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, इतना जाम लगा है। मेरी लाइफ का पहली बार इतना बड़ा जाम 2:30 बजे से, जहाँ पर हम समझो ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा नगर से अर्शनली आधा घंटा इतना भी नहीं लगता, आधा घंटा भी नहीं लगता है। तो 2:30 बजे से हम चले हैं, मगर अभी रात के 8:30 बज चुके हैं, शायद हम रात के 12-1 बजे पहुँचेंगे। एक तो घर में भी कुछ प्रॉब्लम क्या इस बारिश की वजह से हो गया बोला छोके नार को। तो घर में भी कुछ मतलब बादल बुदल फटा ऐसा बोल रहे हैं, अब पता नहीं है क्योंकि फ़ोन भी सारे बंद हैं और फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरी बुआ सास मिले थे मेरे को, तो उन्होंने बताया उनके वहाँ से कोई गए थे बाट में, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है भाटमिया में, मतलब जहाँ हमारा गांव है, तो अब तो भाटमिया में जाकर पता लगना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। जो हमारे घर से आगे था ना, मतलब हमारे खेत वगैरह, तो वो सारे स्लाइड हो गया है वहाँ से पूरा आगे, मतलब ऐसा बिल्कुल वो हो गया है नीचे। तो अब ना बहुत ज़्यादा अब घर जाने की दिक्कत है, मगर हम आज नहीं पहुँचेंगे घर। आज मेरे को लगता है हमारे को नीचे बैठना पड़े ना, मतलब द्वाड़ा में, अगर वहाँ पर भी अभी पता नहीं है पल्ली साइड से रोड है कि नहीं है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है पल्ली साइड वो तो पूरा ख़राब है, वो तो नहीं है। जो लिंक रोड होकर हम जाएंगे ना, तो पहले हम दूसरे गांव वहाँ से तीसरे गांव अलग अलग गांव से होकर फिर जाएंगे हम, मगर पता नहीं है अभी वहाँ से भी ठीक होगा कि नहीं। अगर नहीं ठीक होगा तो वापस फिर हम रायसन क्या लरान के लो आएंगे, इसी रोड से वापस होके फिर लरान के लो में बूजी का घर है, तो वहाँ पर जाएंगे हम सब। ज़्यादा बोर हो गया अब यहाँ से, सिग्नल तो हमारे पास तो है सिग्नल, मगर आम जी पापा जी उनके पास सिग्नल नहीं है, नेटवर्क पूरा ठप है, मतलब ये सिर्फ कॉल के लिए हो रही है, हमारे यहाँ से भी कॉल ही हो रही है। अब किसको करना, घर जहाँ पर हमारा घर है वहाँ पर किसी को भी नहीं हो रहा है फ़ोन, नेटवर्क ही पूरा ठप है। अब जहाँ पर हम पहुँचे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ना पूरा मतलब बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर बोला है कि मतलब 10 फीट गड्ढा हो गया था, उसको भर तो दिया है, पता नहीं आगे जाकर पता चलना क्या हुआ है। तो गाड़ियाँ आगे बिल्कुल भी नहीं खिसक रही हैं, तो 8:30 हो गए हैं, बच्चे भी हैं हमारे साथ। बहुत ज़्यादा जाम है, चलिए अब आपको अपडेट देते रहेंगे हम कितने बजे पहुँचे घर। तो सबसे ज़्यादा टेंशन तो घर की हो रही है, कि ऐसा सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होगा। जो हमारी पीढ़ी है, जो हम है ना, हमने ऐसा ऐसी चीज़ें देखी कि मतलब पहले कोरोना 2-2.5 साल देखो कितनी प्रॉब्लम हुई, तो अब ये बारिश 2018 में भी ऐसी बारिश आई थी ना, मगर तब भी इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हुई थी।
इस बार तो बहुत ज़्यादा तबाही होती है, बहुत ज़्यादा तबाही होती है। हमारे माँ ऐसा बोल रहे हैं कि बाद में हम बादल फट गया, तो कल आ रहे थे हम वापस घर, तो मेरे मम्मी पापा ने नहीं भेजा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। वो तो आज भी नहीं भेज रहे थे क्योंकि नेटवर्क था नहीं, पता है नहीं घर में क्या क्या हुआ है। तो फिर हम वहीं बैठे थे, मतलब मेरे मम्मी पापा तो नहीं भेज रहे थे, मगर फिर हमारे को टेंशन हो रही थी कि मतलब बच्चों के, हमारे को तो ये हो रहा था कि बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, मतलब उस करके क्योंकि इनका बैग भी नहीं ले गए थे। अब देखो क्या हो गया, सोचते नहीं था पता नहीं क्या हो गया घर में, क्योंकि आम जी वगैरह वो सारे मतलब घर से बाहर, वो सारे वगैरह है ना मतलब घर से बाहर गए हैं, मतलब ऊपर है मेरे अंकल जी का घर तो उनके घर में रहने गए हैं, सारा सामान घर से निकाल दिया है बाहर, तो इसका मतलब ज़्यादा ही है कुछ। तो देखती रहूँगी आपको अपडेट, अगर अब घर जाके अगर कल गई तो फिर तो नहीं होगा शायद से, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती है ना, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है कि एकदम से मैं आपको ऐसा बताऊँ कि ऐसा कुछ दिखाऊँ। तो चलिए चलते हैं, अब 5 मिनट हो गए हैं, सुबह 5-6 मिनट हो गए हैं आपसे बात करते करते। तो अच्छा है हुआ दुपट्टा खींच वाले बेटे, मेरा दुपट्टा खींच वाले शानू बाहर अंदर गाड़ी के अंदर। लाइट की नहीं? नहीं लाइट आ रही बस। मैं देख लीजिए दोस्तों अभी 9 बजे फिर मैंने अपने, हाँ सारी प्रॉब्लम ना एक ही बार में आनी थी, अब ये गाड़ी का टायर पंचर हो गया ये आगे वाला, अभी ईशानी पापा टायर चेंज कर रहे हैं। कभी कभी ना कुछ ऐसे दिन होते हैं मतलब कुछ भी ठीक नहीं होता है, एक तो बच्चे हैं साथ में ऊपर से, अगर हम दो अकेले भी होते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पता नहीं क्या लिखा है, एक तो इतने ज़्यादा जाम है, इतना ज़्यादा जाम है, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और तो चलिए आपको आगे अपडेट देती रहूँगी। तो देख लीजिए दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और अभी हम रायसेन में पहुँच गए हैं, और पीछे हमने ना गाड़ी लगा के रख दी है यहाँ पर, तो यहाँ से थोड़ा जैसे हमारे को पैदल चलना पड़ेगा। तो पल्ली साइड हमारे पड़ोस से आए हैं मेरे लगे देवर जी, तो हमारे पड़ोसी हैं तो उनको बुलाया हमने, क्योंकि अंकल जी को अकेले हुआ फ़ोन, बाकी किसी को भी फ़ोन नहीं हो रहा है। तो फिर अंकल जी को बोला हमने कि देवर जी को भेज दो, तो फिर आए वो हमारे को ले जाने अब यहाँ से थोड़े जैसे, क्योंकि यहाँ से ना रोड सारा चला गया है, नदी बाग के लिए गई अपने साथ। तो फिर अब थोड़ा पैदल चल के, एक तो रास्ते में पता ये क्या बोलते हैं अब गाय डंगरे वगैरह मतलब बैल वगैरह घूम रहे हैं, तो अब डर भी है बच्चों के साथ थोड़ा। तो चलिए शुक्र है कि पहुंच गए अब रायसेन में, तो अब गाड़ी पल्ली साइड शायद यहाँ से दिख रही है लाइट ना परे को, तो चलो अब चलते हैं घर जाके मिलते हैं आपको ना। तो देख लीजिए दोस्तों अभी हम घर पहुंच चुके हैं, हम पहुंचे हैं लगभग 11 बजे, और उसके बाद बनाया खाना, खाना के मतलब सब्जी दाल वगैरह हमारे पड़ोसी जो आंटी जी हैं उन्होंने दी थी, बस थोड़े चावल बनाए और अभी हमने खाना खा लिया है, कपड़े कपड़े निकाल के, बच्चे सो रहे हैं तो अभी हम भी सोने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, जहाँ से हम ना रायसेन मैंने बोला था आपको कि यहाँ से हम पैदल जाएंगे, मगर वहाँ से आने को बिल्कुल भी नहीं था, रोड पूरा ख़राब हो गया था, बिल्कुल भी नहीं चलने को था, तो इसलिए हम दूसरे रोड से आए, 2-3 जगह से था रोड वहाँ से आने को, मतलब जो
लिंक रोड में होते हैं वो, एक गांव से होकर दूसरे गांव से होकर फिर डाउन नाला में आता था, तो फिर हम उस रोड से आए हैं। दो रोड थे वैसे तो, एक तो ख़राब ही था तो दूसरा रोड था तो छाटन सेरी वाला रोड, तो वहाँ से होकर हम शिरडा में आए, शिरडा से हम डाउन नाला आए। उसके बाद पहुँचे हम 11 बजे यहाँ पर। तो वो पांच लड़के थे जो कि था चिसराज मंडी साइड के थे, तो वो भी यहाँ पढ़ने वाले बच्चे थे, शायद कोचिंग में जाते थे शायद वो। तो फिर उनको भी हमने कटराई में छोड़ा, वो भी परे तक शायद गाड़ी में आए थे रायसेन तक, तो उसके आगे उनको पता ही नहीं था कि किस साइड से जाना है। तो फिर हम उनको अपने साथ लेके आए और यहाँ कटराई में छोड़ा, और वहाँ पर था उनका रूम, और फिर आए हम घर। अभी हम सोने जा रहे हैं, मैंने सोचा चलो ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। आज का जो ब्लॉग है ना पूरा अंधेरे अंधेरे में ही हो गया सारा, और इतनी तबाही हो गई ना, इतनी तबाही मेरे मायके में नहीं हुई है जितनी ये इस साइड हुई है। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है जिस रोड से हम आए ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो बंद ही था, वो थोड़ा जैसा कर दिया गाड़ी आने जाने के लिए बस, बाकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हमारे बाट में हम बोले ना बादल फट गया, सच में फट गया है, क्योंकि फ़ोटो दिखाए कमलू ने ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा भी। तो चलिए अब दिखाते हैं अगले ब्लॉग में आपको कि क्या क्या हुआ है। तो चलिए इतनी तबाही बहुत, ठीक है, बाय, गुड नाइट, अब हम सो जाते हैं अब।